हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीर्ति की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं इंस्टेंट ब्रेड क्रम्स बनाने जा रही हूँ। ब्रेड क्रम्स जो है ये बहुत ही काम में आते हैं। कोई भी डिश बनानी हो तो ब्रेड क्रम्स ज़रूर काम में आते हैं। क्रिस्पी चिकन के स्नैक्स हो या आलू के स्नैक्स हो, सभी में जो है ब्रेड क्रम्स काम में आते हैं, जिसके लिए ब्रेड क्रम्स को हमें मार्केट से लाना पड़ता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आज मैं जो ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ वो बची हुई ब्रेड के बना रही हूँ। जो ब्रेड के कॉर्नर्स होते हैं वो बच जाते हैं, या ब्रेड पड़ी होती है हमारे पास में जो यूज़ में नहीं आती है, तो उसका हम ब्रेड क्रम्स बना के रेडी कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने कुछ स्नैक्स बनाए थे जिसके लिए मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर दिया था, तो वो काफ़ी ब्रेड के कॉर्नर्स जो है वो मेरे पास में पड़े हुए हैं। उन ब्रेड के कॉर्नर्स से आप बहुत तरह की डिशेस बना सकते हो। तो आज मैं बची हुई ब्रेड से ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं इंस्टेंट ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ, जिसे आप बनाकर उसी समय यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन आप उसे डिब्बे में बंद करके महीनों तक यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्रेड क्रम्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ब्रेड क्रम्स को बनाने के लिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ बची हुई ब्रेड्स ली है। ये ब्रेड के कॉर्नर्स हैं जो मेरे पास में पड़े हुए थे, और इसके अलावा ये कुछ ब्रेड्स हैं, और इसके अलावा फ्रेंड्स मेरे पास कुछ ब्राउन ब्रेड्स के भी बचे हुए पीसेस पड़े हुए हैं। तो काफ़ी ब्रेड के पीसेस जो है ये मेरे पास पड़े हुए हैं, जिनसे मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने मिक्सी का जार लिया है। अब मैं ये ब्रेड के कॉर्नर्स को इस मिक्सी के जार में डाल दूंगी और इसे मैं बारीक पीस लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, बची हुई ब्रेड के कॉर्नर्स को मैंने पीस के तैयार कर लिया है और ये इंस्टेंट ब्रेड क्रम्स बन के रेडी है। आप अभी कोई भी स्नैक्स बना रहे हो जिसमें आपको ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत है, तो आप इसी तरह से ब्रेड क्रम्स को यूज़ कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और जो हमने ब्रेड को पीस के रखा है उस ब्रेड को हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। और सबसे पहले हम कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद में हम गैस को मीडियम टू स्लो फ्लेम पे कर देंगे, वरना ये ब्रेड जो है ये जल जाएगी। और फ्रेंड्स, ब्रेड को हमें लगातार चलाते रहना है। इसी तरह से जो बाकी बची हुई ब्रेड है उसे भी हम मिक्सी में पीस लेंगे और इस कढ़ाई में डाल देंगे। हमें हल्की आंच में इस ब्रेड को ड्राई रोस्ट करना है और हमें इसे लगातार चलाते रहना है। इस तरह से ब्रेड को आप गैस के ऊपर ही इंस्टेंटली ब्रेड क्रम्स बनाकर रेडी कर सकते हो, जिसे आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो, जिसके लिए कुछ ही मिनटों का समय लगता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप चाहे तो ब्रेड को धूप में भी सुखा सकते हो। आप ब्रेड को मिक्सी में चला के इसे आप तेज धूप में सूखने के लिए रख दीजिए, जिससे ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हो जाएंगे। अगर आप ब्रेड को तेज धूप में रखते हो तो 2 दिन के अंदर ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ब्रेड को धूप में सुखाते हो तो उसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता है, बिल्कुल वाइट कलर के ब्रेड क्रम्स बन के रेडी होंगे, जैसे बिल्कुल मार्केट में मिलते हैं। अगर आप गैस पे ब्रेड क्रम्स को बनाते हो तो इसको हमें रोस्ट करते समय इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाता है, लेकिन ब्रेड क्रम्स बहुत ही बढ़िया बनते हैं। फ्रेंड्स, मैं जो ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ इसका हल्का ब्राउन कलर इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें वाइट ब्रेड के साथ में ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ किया है। मेरे पास ब्राउन ब्रेड भी पड़ी हुई थी तो उसे भी मैंने इसके अंदर डाला है। ब्रेड जो है ये हल्की सी क्रिस्पी हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स, जब ये ब्रेड हल्की सी ठंडी हो जाएगी तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। ब्रेड क्रम्स जो हैं ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, और ठंडे होने के बाद में ब्रेड क्रम्स बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इन ब्रेड क्रम्स को किसी भी बॉक्स के अंदर डाल देंगे।
अब फ्रेंड्स इस बॉक्स का हम ढक्कन लगा देंगे और इस ब्रेड क्रम्स को हम संभाल के रख लेंगे। इन ब्रेड क्रम्स को आप महीनों तक यूज़ कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होंगे। और जब भी ज़रूरत पड़े इन ब्रेड क्रम्स को आप निकालिए और स्नैक्स बनाने के लिए यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स ब्रेड क्रम्स जो है ये बहुत ही काम में आते हैं, तो बची हुई ब्रेड को आप फेंकिए मत, उस बची हुई ब्रेड को आप यूज़ में लाइए, उससे बहुत सी रेसिपीज़ बन सकती हैं या आप ब्रेड क्रम्स बना के रेडी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपके घर में भी ब्रेड बची हुई है तो आप उसका ब्रेड क्रम्स ज़रूर बनाइए और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। थैंक यू फ्रेंड्स।